नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ग्लोबल संकेत काफी पॉजिटिव हो गए हैं। सुबह तक कल तक काफी नेगेटिव थे, हमने भी काफी नेगेटिव बातें करी थी। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में हम कवर क्या करेंगे। ग्लोबल मार्केट्स, FIDAs का डेटा, गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी प्रिडिक्शन, GST काउंसिल की मीटिंग, उसके बाद कुछ स्टॉक्स जिनके लिए बड़ी खबरें आते हुए दिख रही हैं, जिसमें आपका नाम आता है टाटा पावर, HG इंफ्रा, एस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, प्रीमियर एनर्जीज, IRB इंफ्रा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, एक एक करके सारी के सारे पैरामीटर्स को कवर करना। सबसे पहले ग्लोबल संकेत क्या है, ग्लोबल से शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अमेरिका उछल गया है भैया, बड़ी तेज जंप मार रहा है, बहुत ही तंगड़ी तेजी से उछल रहा है। यानी कि जो फ्राइडे को डेटा आया था ना, जॉब्स डेटा, जहां पे कह रहे थे कि नौकरियां लोगों की नहीं है, लोगों पे नौकरियां नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हायरिंग कम हो रही है, अनुमान से कम जॉब्स पहुंची हैं लोगों पे, स्लो डाउन दिख रहा है। फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब को जून की मीटिंग में रेट कट कर देना चाहिए था, वो लेट हो गए हैं, उनकी जजमेंट गलत हो गई है, हजार बातें, बाजार डाउन, आपके सामने जो भी होता है मतलब उसी का रीजन रख दिया जाता है। तेजी होती है तेजी का रीजन, मंदी होती है मंदी का रीजन। लेकिन अभी फाइनली भैया बहुत तंगड़ा उछाल मार रहा है अमेरिका। रीजन कुछ नहीं है भाई साहब, रीजन यही है, दो दिन घटा था तो तीसरे दिन उछलना है बस। और आज 550 पॉइंट डाव ऊपर दिख रहा है, 1.5% के समथिंग की रैली है। नैस्डेक 0.5% ऊपर आ रहा है, S&P 500 1% ऊपर आ रहा है, और रसेल 2000 में भी 0.5% की तेजी दिख रही है। यानी कि ब्रॉडर मार्केट से ज्यादा मेन स्टॉक्स भाग रहे हैं अमेरिका में, ये दिखा रहा है डाउ जोन्स। दोस्तों, वन मोर थिंग मैंने ऐड नहीं करी है, वो भी मैं ऐड करना चाहूंगा। अमेरिका के लिहाज से बड़ा दिन है आज, क्योंकि एप्पल का आज इवेंट है दोस्तों, नए प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर। भारत के टाइमिंग के हिसाब से देखा जाए तो रात में 10:30 ये इवेंट स्टार्ट होगा। यानी कि मैं अभी 9:18 का समय हो रहा है जब ये वीडियो शूट कर रहा हूं, तो यहां से देखा जाए 1:12 बाद वो इवेंट शुरू हो जाएगा। तो वो भी अपने आप में एक ट्रिगर रहेगा। एक बार मैं एप्पल का स्टॉक चेक करना चाहूंगा कि कैसा ट्रिगर। एप्पल लगभग 1 रुपए नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, परसेंटेज टर्म्स में देखें तो लगभग 0.5% समथिंग नीचे दिख रहा है एप्पल, बट डे हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छी बात है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है एप्पल टू अनवील आईफोन 16, न्यू AI फीचर, और भी बहुत कुछ है जो हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ग्लोबली बहुत अच्छे संकेत आ रहे हैं, स्पेशली US से। अब कुछ तो रीजन होगा जो भाग रहा है, वही है सिंपल, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, देखो रेट कट हो रहा है, चाहे 50 बेसिस पॉइंट घटा दो, कह दो कि इकोनॉमी ज्यादा तेज घट रही है, फेड सही जजमेंट नहीं ले पाया, लेकिन इवेंचुअली तो रेट कट से ग्रोथ आनी है ना, कॉलैप्स कुछ नहीं होने वाला, 2008 वाला मामला नहीं है। इसके ऊपर मैंने वीकेंड पे वीडियो भी बनाई थी कि इस बार सिचुएशन वो नहीं है, अलग है। इस बार एक केस है जो पड़ सकता है, मैं फिर बता रहा हूं, और वो है येन कैरी ट्रेड का। देखो, जापान इंटरेस्ट फ्री पैसा देता है और बड़े लेवल पे पैसा ले रखा है लोगों ने, इन्वेस्टर्स ने, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट में लगा रखा है। रेट कट से डॉलर और मजबूत होगा, येन और गिरेगा, और मार्केट में पोजीशन रहती है येन को कैरी करके रखते हैं लोग, और जब येन घटेगा तो वो पोजीशन हटानी पड़ेगी, सेलिंग आएगी, और सेलिंग आने की वजह से करेक्शन हो सकता है। अब वो देखने वाली बात है, लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि रेट कट से इकोनॉमी तो बूस्ट कर जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अमेरिका बाउंस बैक मार रहा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, तंगड़े बाउंस बैक मार रहा है, और यूरोप के मार्केट्स ने भी बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिया आज। फिटसी 1% ऊपर, डेक्स 0.5%, कैक में भी लगभग 1% की तेजी देखने को मिली है। एशिया पैसिफिक देखा जाए तो पहले भारत से शुरू करेंगे, बढ़िया तेजी थी, 24,936 के करीब क्लोजिंग आई है, बहुत बढ़िया लगा हमें। निकाई 0.5% घटकर बंद हुआ, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि निकाई का खराब GDP नंबर आया, उसके बाद निकाई 3% टूट गया और रिकवर होके केवल 0.5% घटकर बंद हुआ, तो ये अपने आप में सुपर पॉजिटिव है। सबसे पहले अगर कहीं से नेगेटिविटी आ रही थी वो जापान से ही आ रही थी, और जापानी रिकवर कर गया तो ग्लोबल उछल गए। आगे बढ़े, शंघाई में 1% की गिरावट देखने को मिली है, हैंगसेंग 1.5% नीचे दिखा है, जिसको कोई फॉलो ही नहीं करता। खैर, कॉस्पी भी लगभग 1/3% नीचे है, और ताइवान में भी 0.25% की गिरावट है। तो ग्लोबली हमारे लिए अमेरिका इंपॉर्टेंट है, और वो सुपर डुपर हिट है बहुत ही शानदार तेजी में। अब देखने वाली बात है कि कितनी तेजी टिकाऊ है ये, और कितना ऊपर बंद होने में सफल होते हैं। टेक्निकल टर्म्स पे देखा जाए तो वी शेप रिकवरी मार रहा है दोस्तों, ये अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास है,
40,913 पे खड़ा है, 41,000 के ऊपर निकलते ही मेरे को लगता है सारे लेवल्स भी तोड़ देगा ऊपर की तरफ ये दोबारा से, और फिर फ्रेश लाइफ आई की बात करने लगेंगे। इंडेक्स लेवल पे मार्केट गिरने को तैयार नहीं है, स्टॉक्स लेवल पे उठने को तैयार नहीं है, यही है इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो इस समय। अब आते हैं दोस्तों निफ्टी प्रिडिक्शन पे। सिंपल है भाई साहब, निफ्टी आपके लिए 24,936 पे बंद हुआ है, 25,000 के ऊपर निकलते ही फिर आपके लिए मार्केट हो जाएगा पॉजिटिव। 25,000 के जब ऊपर था तो भी मैंने दो ही लेवल शेयर करे थे, एक 25,000 के उसके नीचे न्यूट्रल होंगे और 24,800 के नीचे नेगेटिव होंगे। 24,800 के नीचे निकला जरूर लेकिन 5 मिनट के लिए वापस आके ऊपर बंद हो गया। अब 25,000 के ऊपर अगर वापस से बंद हो जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद, तो दो दिन 25,000 के नीचे रहा फिर माहौल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, आप लाइफ हाई पे खड़े हो ये मान लीजिएगा। तो इंडेक्स में वापस से तेजी आते हुए दिख रही है, इंडेक्स घटने का नाम नहीं ले रही है। FIDIs के डेटा की बात करते हैं दोस्तों। FIDIs सिंपल है, DIIs तो गिरावट में लेते हैं, और FIIs अगर ग्लोबल पॉजिटिव दिखे तो लेते हैं और ग्लोबल नेगेटिव दिखे तो बेच देते हैं, और ग्लोबल में भी केवल अमेरिका को देखते हैं ये। आज ग्लोबल सुबह से डाउ फ्यूचर नेस्डेक फ्यूचर पॉजिटिव था, तो FIIs ने 1176 करोड़ की नेट लेवल पे बाइंग करी है और DIIs ने 1757 करोड़ की बाइंग करी है, तो पॉजिटिव है। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग से काफी सारे आउटकम निकल के आ रहे हैं, अब इस वीडियो में तो सब कुछ कवर नहीं कर पाऊंगा लेकिन कल दिन के दौरान जरूर कवर करूंगा। एक डेटा मैंने आपको बताया था ट्रांजेक्शन वाला कि 2000 से कम की ट्रांजेक्शन पे भी 18% जीएसटी लगेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह के लिए भी बहुत कुछ आया है जो आपके साथ हम कल शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं स्टॉक्स की तरफ दोस्तों। तो पहला स्टॉक है टाटा पावर। भैया बड़ी खबर आते हुए दिख रही है टाटा पावर की तरफ से, क्या खबर है चलिए समझते हैं डायरेक्टली। मैं इक्विटी पे आ जाता हूं, टाटा पावर्स को देख लेते हैं। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के लिए नेगेटिव खबर है, कंपनी स्लैशेस एसयूवी प्राइसेस बाय अप टू 2 लाख टू बूस्ट फेस्टिव सेल्स। तो त्योहारी सीजन पे थोड़ी डिमांड, थोड़ी बिकवाली बढ़े एसयूवीज की, टाटा मोटर्स ने 2 लाख रुपए तक दाम घटाए हैं, जाके खरीद लो अगर लेने का विचार बनना था तो। आते हैं दोस्तों आगे, टाटा पावर कह रहा है कंपनी कमांसेस प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल एट इंडियाज लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन 4.3 गीगावाट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन तिरुनेलवेली तमिलनाडु। तो ये पॉजिटिव है इनके लिए काफी मेरे हिसाब से, बट स्टॉक कुछ खास रिएक्शन नहीं देता है, ये खबरों के दम पर नहीं चलता है। एचजी इंफ्रा 781 करोड़ का लेटर ऑफ अवार्ड मिला है, पॉजिटिव न्यूज है। एस कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं दोस्तों, एस कंस्ट्रक्शन के लिए भी काफी पॉजिटिव न्यूज आते हुए दिख रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। कंपनी विंस ऑर्डर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर द सप्लाई ऑफ 99 फॉर्क लिफ्ट, तो एक पॉजिटिव न्यूज इनके लिए भी देखी जाएगी। प्रीमियर एनर्जी भाई साहब जब से लिस्ट हुआ है तब से ही ऑर्डर मिल रहे हैं, एक बार फिर ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है इस कंपनी को, ये कल आपके लिए एक्शन में रह सकता है स्टॉक प्रीमियर एनर्जीज का। कितना ऑर्डर मिला है वो मैं आपके साथ एक बार डिस्कस करता हूँ, आई थिंक छोटा ऑर्डर था बट ऑर्डर मिलता हुआ दिखा था, मैंने चेक किया था, लिखा भी था यहाँ पे प्रीमियर एनर्जीज दिख नहीं रहा है दोस्तों, बट कल ऑर्डर मिला है, ऑर्डर के दम पर रिएक्ट करेगा, ध्यान रखिएगा इस स्टॉक पे भी। नेक्स्ट है IRB इंफ्रा, खबरें के दम पर और भी स्टॉक है बट मैं इतने ही कवर कर पाऊंगा। कंपनी सेज ग्रोथ मोमेंटम कंटिन्यूज एज RBI इंफ्रा एंड द RBI इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट रिपोर्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस 20% राइज इन द टोल कलेक्शन ऑफ अगस्त 2024। अगस्त 2024 टोल रेवेन्यू इज 503 करोड़ अगेंस्ट 417 करोड़। तो भैया साल दर साल टोल रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है IRB इंफ्रा का, तो पॉजिटिव न्यूज है IRB के शेयर होल्डर्स के लिए, और स्टॉक भी अच्छा करना चाहिए कल। ये मेरी तरफ से सारी की सारी अपडेट्स थी, होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।